नमस्कार, अरुण भूमि के इस डिजिटल पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं कार्पी बासर आपका इस पेज पर स्वागत करती हूँ। मैं इस वक्त निर्जुली में हूँ। यहाँ पर जो है लेबर कमिश्नर ऑफिसर ओजिंग दारंग जी का आज रिटायरमेंट का आपलू वाले यानी ऑल अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन वाले जो है उन्हें फेयरवेल दे रहे हैं। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ओजिंग दारंग जी जो है उन्हें 1986 में ओसी और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ऑफिसर का पद मिला था, लेकिन उन्होंने जो है असिस्टेंट लेबर ऑफिसर कमिश्नर का जो पद उन्होंने चुना और 21 साल तक उन्होंने लेबर कमिश्नर उपाधि लेबर कमिश्नर के पद में बैठकर उन्होंने जनता का समाज का सेवा किया और अब वो लेबर कमिश्नर के पद से अब वो रिटायर होने जा रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। कम लोग जानते हैं हमारे विभाग के बारे में। अभी भी बहुत लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि हम लोग हमारा जो विभाग है वो श्रम कानून एनफोर्स करते हैं, श्रम कानून को ही लागू करते हैं। तो ज़्यादा उनसे पब्लिक से इसलिए वो नहीं होता है, संबंध नहीं है, और पब्लिक भी इसलिए बहुत कम जानते हैं। लेकिन ये जो श्रमिक हमारा जो श्रम भाई बहन जो कम कामगार लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो लोग पता उनको पता है, और वो लोग कुछ श्रम कानूनों के बारे में भी उसको उनको जानकारी देता है। हम लोग ट्रेनिंग वगैरह में भी भेजते हैं। तो यूनियन जो है यूनियन को हम लोगों ने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दिल्ली में भी भेजता है, और कैसे कैसे होता है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ भी बताया है या ट्रेनिंग वगैरह हम लोग किया है। तो यही है कि हम लोगों का जो लेबर डिपार्टमेंट है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और उतना महत्व नहीं मिलता इसलिए हम लोगों को, क्योंकि ज़्यादा पब्लिक से हमारा वो उतना काम नहीं होता है, उसके साथ काम नहीं है। लेकिन हम अब सब अपने ही काम पे लगा रहता है। तो जैसे ड्राफ्टिंग होता है, कानून वगैरह बनाने में भी हम लोग ये काम करते हैं। अभी रिसेंटली भी हमारे यहाँ में भारत सरकार के निर्देश पर ये एक लेबर कोड, 4 लेबर कोड तैयार हुआ है। तो उसमें भी उसमें एक क्या कहते हैं आपका जो जितने श्रम कानून हैं 20, 22, 26 तो जैसे कानून है उनको उसमें एक एक कद में कोर्ट जो है ना उसमें समा दिया है। वो जैसे हिंदी में बोलते हैं गागर में सागर, वो अभी सरकार की ये कोशिश है कि वो उतना अलग अलग नहीं करके वो एक ही कोर्ट में लगा देगा। तो इसी में हम लोगों ने बहुत काम किया है, काम मैंने रूल बनाया है उसका, और वो हम अभी प्रोसेस में हैं, और इसी दौरान मेरा भी सेवानिवृत्त हो गया है अभी पिछले 30 तारीख को।